अफसरों को निगरानी के आदेश दिए गए हैं, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाएं, ये उम्मीद की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग पर पुरजोर दिया जा रहा है और हवाई अड्डों पर खासतौर पर रैंडम टेस्टिंग जो है वो की जा रही है, ताकि ये क्लियर रहे कि ये फैल ना पाए। अब क्या क्या चीजें जरूरी है, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, 2% रैंडम सैंपलिंग हो रही है, हालांकि बच्चों की सैंपलिंग जो है वो नहीं की जा रही है, लेकिन कोशिश यही है कि कोरोना को फैलने ना दिया जाए और स्थिति को काबू में रखा जाए। तो वैक्सीनेशन जरूरी और 2% यात्री है जिनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है हवाई अड्डों पर, खासतौर पर विदेश से आने वाले लोग हैं, इस सैंपलिंग के बाद उन्हें वहां से जाने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन वो जगह वो देश जहां पर कोविड ज्यादा फैल रहा है वहां से लौटने वाले लोगों पर कई बार ये टेस्ट किया जा रहा है और 2% लोगों पर टेस्ट किया जा रहा है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। सैंपल पॉजिटिव होता है तो जीनोम सीक्वेंसिंग इसको करवाया जाएगा। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और यात्रा के दौरान अगर लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो फिर आइसोलेशन में उन्हें रखा जाएगा और धीरे धीरे गाइडलाइंस जो हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी। इस गाइडलाइंस पर हमारी भी नजर है, आज तक सबसे पहले गाइडलाइंस से आपको बाखबर करेगा।